Hello, my dear student. In this lesson, I am going to explain some important characteristics of a bond, or simply, what can you say? We are going to explain about bond parameters. एक bond का क्या क्या parameters होता है. Mainly, एक bond के साथ related क्या क्या parameter होता है. First of all is bond length. ठीक है, bond length. Second, you can say बॉन्ड एनर्जी, मतलब एक बॉन्ड तोड़ने के लिए कितना एनर्जी चाहिए. एंड थर्ड वन इज बॉन्ड एंगल. एंड फोर्थ वन इज बॉन्ड ऑर्डर. ठीक है, तो इन दिस लेसन, इन टूडेज लेसन, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी. ओके, इन द अपकमिंग लेसन आई विल मेक ए स्पेशल वीडियो ऑन bond angle and another special video on bond order. Okay, so what you need to do, you have to take a pen and paper and start writing, listening with me. Okay, then only you will able to gain the maximum benefit of this lesson, and this is going to be one of the most important lessons. This lesson will help for both class 11 students and for the students who are preparing for NEET, JEE and other competitive exam. तो चलो बिना देरी करके स्टार्ट करते हैं आज का लेसन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल से अबाउट बॉन्ड लेंथ. ओके, व्हाट इज बॉन्ड लेंथ. बिफोर आई एक्सप्लेन अबाउट बॉन्ड लेंथ, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू अनदर वीडियो, दैट इज एटॉमिक रेडियस. अगर आपको एटॉमिक रेडियस का ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन ये बॉन्ड लेंथ वाला जो मैटर है आपको इजीली समझ में आ जाएगा. तो व्हाट इज बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ क्या होता है. सपोज दो एटम, एक ये एक एटम हो गया और ये अनदर एटम हो गया. ठीक है, सपोज दिस इज एटम ए एंड ये हो गया एटम बी. इन लोगों का जो बॉन्ड फॉर्म होने के बाद इन लोगों का जो रेडियस होगा, इन रेडियस का जो दूरिया, ठीक है, दैट इज सिंपली द बॉन्ड लेंथ. मतलब अगर इसका रेडियस आर ए हो गया, ये क्या होगा आर बी. तो इन लोगों का जो डिस्टेंस, मतलब बॉन्ड लेंथ, आर इजिकल टू आर ए प्लस आर बी. ठीक है, मतलब कैसा टाइप का कंपाउंड होना पड़ेगा, कोवेलेंट. ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड हो गया. लेकिन क्या हो गया, अगर इन ए और बी का बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया तो ये फॉर्मूला थोड़ा अलग हो जाता है. आई थिंक सबको पता है. तो उसके पहले मैं इसका रिलेटेड एक एग्जांपल बोल देता हूँ. सपोज सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, ठीक है, इसका नाम होता है इथानॉल. इथानॉल, इस इथानॉल में इस ओ एच का बॉन्ड लेंथ कितना है, ओ एच का बीच, मतलब ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन का बीच का बॉन्ड लेंथ कितना है, इफ़ यू आर आक्स. ठीक है, तो तब हम लोग ऐसा फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं. जैसे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस होता है 37 पिकोमीटर, एंड सॉरी हाइड्रोजन का क्या होता है 37 पिकोमीटर, एंड ऑक्सीजन का होता है 74 पिकोमीटर. तो व्हाट विल बी द रेडियस, ऑब्वियसली जस्ट यू नीड टू ऐड दिस 37 एंड 74. आफ्टर दैट यू विल गेट 111 पिकोमीटर. आई थिंक ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज पिकोमीटर. मतलब ये एटम का रेडियस, एटम का लेंथ बहुत ही छोटा होता है, इसलिए वी एक्सप्रेस देम इन आइदर इन आर्मस्ट्रॉन्ग. जैसे कि 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10^10 मीटर, 10^10 मीटर, एंड 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10^-12 मीटर. ठीक है, तो आपको ये जरूर समझना चाहिए. लिख लिया, ओके. चलो तो अभी मैं देखूंगा अगर उन लोगों का बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है. क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस. इफ देयर इज ईएन डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम, बिटवीन द बॉन्डेड एटम, बॉन्डेड एटम्स, देन व्हाट यू नीड टू डू. मैंने उस लेसन में सिखाया था
सपोज दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू एटम, ये हो गया आर ए रेडियस ऑफ एटम ए, ये हो गया रेडियस ऑफ एटम बी, उसके साथ आपको एक कांस्टेंट मतलब 0.09 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साई ए माइनस साई बी। ठीक है, व्हाट इज साई ए? साई ए मतलब ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए एंड साई बी इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। ओके, गॉट माई पॉइंट? तो ये था सिंपली व्हाट इज बॉन्ड लेंथ। ये बहुत लोगों ने क्लास 11 में ही सीख किया होगा और आप लोग ऑलरेडी सीखा है। ठीक है, तो नाउ वील चेक व्हाट आर द फैक्टर्स जो हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो इस बॉन्ड लेंथ को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो व्हाट कैन यू राइट? फैक्टर्स इफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। ठीक है, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, सो वील एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ सम पैरामीटर। सपोज ये सबसे पहले किसके ऊपर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको अभी तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है वो पता नहीं है, प्लीज़ विजिट टू माई चैनल, वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर वीडियो है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज सी एफ, सी सी एल, सी वी आर और ये हो गया सी आई। ठीक है, तो यहाँ पे इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुल्ली, ये जो कार्बन है सबका सब में क्या है, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। लेकिन यहाँ पे जो ये फ्लोरीन है ना, ये फ्लोरीन, इससे जब बड़ा साइज़ कितना है क्लोरीन, इसके बड़ा और क्या होगा ब्रोमीन, इसके और भी बड़ा क्या होगा आयोडीन, और हम लोग क्या बताए साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब जितना बड़ा होगा साइज उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना कम होगा। मतलब इन दोनों का साइज छोटा है तो ऑब्वियसली इन दोनों का जो डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ ये क्या होगा कम होगा, और इन दोनों का जो देखो ये इतना बड़ा रेडियस है और इसका रेडियस, तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर बोल सकते हैं, ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए ये इसको ज़्यादा चिपक के रहा है, मतलब इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। तो ओवरऑल व्हाट कैन यू राइट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अगर किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गया मतलब उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा कम होगा। तो मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, उसमें आपको खुद से कर ट्राई करना है। तो पहले उसके पहले इस एग्जांपल में सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका होगा? सी एफ का, उसके बाद सी सी एल, उसके बाद सी वी आर और लास्ट में सी आई में। और ये और एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं क्या एग्जाम्पल। सपोज एच एफ, एच सी एल, एच वी आर एंड एच आई। तो ऑब्वियसली यू नो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए फ्लोरीन का ये वाला बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होगा, ये बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होगा। मतलब ये उल्टा हो, यहाँ पे भी उल्टा हो गया, ये भी उल्टा हो गया। ठीक है, बॉन्ड लेंथ मतलब ये ऐसा वाला होगा जिसका साइज इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है उसका बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा। तो इसका भी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा, इसका भी छोटा और इसका भी छोटा हो गया। चलिए हम लोग और भी देखते हैं नेक्स्ट। ये है सेकेंड फैक्टर। सेकेंड फैक्टर क्या होता है? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं, एटॉमिक एग्जांपल से हम लोग सीखेंगे। सिलिकॉन, सिलिकॉन का भी इसका बॉन्ड, सपोज जर्मेनियम, जर्मेनियम का भी इसका बॉन्ड, टीन और टीन का भी इसका बॉन्ड। देखिए ऐसे से अगर आपको पता चल गया है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड, ऐसा कौन सा ग्रुप का होता है? ग्रुप 14 का होता है। और ग्रुप 14 में मतलब कोई भी ग्रुप में व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम देयर साइज इंक्रीजेस। साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो साइज इंक्रीज होने से ये दोनों का साइज क्या है? बहुत बड़ा बड़ा है। और इन दोनों का साइज क्या है? कंपैरेटिवली छोटा छोटा है। इसलिए इन लोगों का जो बॉन्ड लेंथ ये क्या होगा सबसे छोटा होगा और इन लोगों का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होते रहेगा। ठीक है, तो चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, ये भी खुद से ट्राई करना है। ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन
फास्फोरस फास्फोरस आर्सेनिक का बॉन्ड, और ये होगा एस बी का बॉन्ड। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, और ये हो गया आयोडीन। एमोंग दिस फोर व्हिच वन विल हैव हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ। तो ऑब्वियसली इन लोगों का साइज क्या है, छोटा है, तो साइज छोटा है मतलब इन लोगों का बॉन्ड लेंथ भी छोटा है। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। तो एट लास्ट व्हाट कैन राइट टू राइट, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ओके, इसको भाई इस बात को ध्यान से रखना है। चलो, तो ये था पॉइंट नंबर टू। अभी हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर थ्री। ये पॉइंट नंबर थ्री क्या होता है, बॉन्ड मल्टी प्लेसिटी, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। तो ये बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी क्या है, सिंपल, सपोज ये दो कार्बन है, इन दोनों के बीच में क्या है, ट्रिपल बन है, और ये दो कार्बन इन दोनों के बीच में क्या है, सिंगल डबल बॉन्ड, और ये दो कार्बन इन लोगों के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो मल्टीप्लिसिटी मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे दो बॉन्ड है, और ये तीन बॉन्ड है। तो आपको हमेशा याद रखना है, जिसका बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी मतलब बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो सबसे बड़ा बॉन्ड किसका होगा, सी सी सिंगल बॉन्ड का, उसके बाद डबल बॉन्ड का, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का। तो अभी आप खुद से ट्राई कीजिए, ये किसका होगा, नाइट्रोजन 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 डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, और ये इसको भी ट्राई करना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। यस, आई थिंक यू गॉट इट, व्हिच वन विल बी, ये सबसे छोटा होगा, ऐसा करके, है कि नहीं। ओके, तो इस बात को आपको ध्यान से रखना है। चलिए, अभी हम लोग और भी फैक्टर्स देखते हैं, जो फैक्टर्स नंबर फोर। ये फैक्टर है मतलब बॉन्ड लेंथ, मतलब बॉन्ड लेंथ मतलब दे मैं दिखाता हूँ आपको। सपोज एक कंपाउंड लीजिए PCl5, PCl5 जिसको बहुत लोगों को इसका स्ट्रक्चर अभी पता नहीं होगा, लेकिन अपकमिंग लेसन में ज़रूर पता चल जाएगा। ठीक है, और जिन लोगों को पता है उनको तो अच्छा ही है। सपोज ये क्या होता है, ऐसा करके इन लोगों का एक बॉन्ड फॉर्म होता है। ये होता है क्या होता है, दिस आर इक्विटोरियल, दिस आर इक्विटोरियल बॉन्ड, और इन लोगों का एक ऊपर में और एक नीचे में रहता है, दिस इज क्लोरीन दिस इज क्लोरीन। ओके, दिस ऐसा वाला, ये जो वाला बॉन्ड है, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड इक्विटोरियल, इक्विटोरियल बॉन्ड, और ऐसा वाला जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड। एंड हमेशा आपको याद रखना है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्विटर इज ऑलवेज स्मॉलर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल। ठीक है, मतलब एक्सियल बॉन्ड लेंथ आर लॉन्गर, ये क्या होगा, दीज आर लॉन्गर एंड दीज आर शॉर्टर। रीजन भी है, रीजन क्या है, इन लोगों में इसमें क्या होता है, लोन पेयर रहता है, और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के बीच से ये लोग दूर में भागता है, इसलिए इन लोगों का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू दिस इक्विटोरियल बॉन्ड। ठीक है, मतलब एक ही कंपाउंड में क्लोरीन पी सी एल बॉन्ड दो टाइप का हो सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, और जेई एडवांस और नीट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, आपको ये सब बात ध्यान में रखना है। चलिए, हम लोग नेक्स्ट फैक्टर देखता है, दैट इज सपोज फैक्टर नंबर कितना होगा, आई थिंक 5। इफ ए लोन पेयर इज प्रेजेंट, अगर उस कंपाउंड में लोन पेयर प्रेजेंट है
तो उन लोगों का बॉन्ड में दिक्कत होना शुरू होता है। सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से सीखेंगे हम लोग मज़े से। सपोज ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड, ये सपोज हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन। आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में, ये हो गया नाइट्रोजन, ये यहाँ पे दे दिया फ्लोरीन, यहाँ पे दे दिया फ्लोरीन, यहाँ पे दे दिया फ्लोरीन, यहाँ पे दे दिया फ्लोरीन। ओके, और आप लोगों को पूछा गया है क्या, हुइस वन एन एफ, मतलब एन एफ बॉन्ड और एन एच बॉन्ड, हुइस वन विल बी लॉन्गर एंड हुइस वन विल बी शॉर्टर। ठीक है, मतलब किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। सिंपली दैट देखो, अगर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, इस नाइट्रोजन का क्या है, यहाँ पे दो लोन पेयर है, क्योंकि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, फाइव, एक दो तीन, और ये दो हो गया फाइव, मतलब उस तरफ यहाँ पे भी दो क्या होगा इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक उसी तरफ इसका भी क्या रहेगा, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन रहेगा, इस नाइट्रोजन का भी यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि एक नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, फाइव होता है, ये हो गया वन टू थ्री, इसलिए यहाँ पे दो होना ही पड़ेगा। ओके चलो हो गया। चलो अभी हम लोग यहाँ पे देखो, इस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन, ये एक ही इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इस हाइड्रोजन का कोई लोन पेयर नहीं है। लेकिन इस फ्लोरीन को अगर अच्छे से देखोगे तो एक फ्लोरीन दीज आर फ्रॉम 17 ग्रुप, और 17 ग्रुप एलिमेंट का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, सेवन, तो मतलब इसके पास आपको क्या मिलेगा, तीन लोन पेयर मिलेगा। इसके पास भी आपको क्या मिलेगा, तीन लोन पेयर, इसके पास भी आपको तीन लोन पेयर, इसके पास भी आपको तीन लोन पेयर मिलेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या पता है, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट एंड सेम चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। इसलिए ये जो लोन पेयर और ये लोन पेयर क्या करेगा, एक दूसरे को खींचेगा, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर एक दूसरे को क्या करेगा, खींचेगा। ठीक है, ऐसा मतलब खींचेगा, ये लोन पेयर भी इसको क्यों क्या करेगा, खींचेगा, इसको भी इसको को खींचेगा। ठीक है, इसलिए लोन पेयर रिपल्शन के वजह से, लोन पेयर रिपल्शन के वजह से इन लोगों का जो बॉन्ड लेंथ होगा, बॉन्ड लेंथ वो इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे तो नो लोन पेयर रिपल्शन इज देयर, नो लोन पेयर यस। इसलिए आपको अगर अच्छे से दिखाया दिखा होगा तो इसका मतलब N2H4 का बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर देन N2F4। ठीक है, ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ये JEE एडवांस का क्वेश्चन था, बहुत बार पूछा भी चुका है, पूछ भी चुका है। ठीक है, आपको इसको ध्यान से रखना है। चलिए अभी आप खुद से ट्राई कीजिए, ये हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये हो गया हाइड्रोजन, और आपको ये दे दिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ये दिया मैंने हाइड्रोजन, पता है किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा और किसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। इसमें हाइड्रोजन का भी इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन में क्या है, लोन पेयर है। यस, ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है, सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ पे भी सिक्स है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, दो 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 लोन पेयर रहेगा। लेकिन इसमें फ्लोरीन के पास क्या है, आपको बॉन्ड पेयर मिल जाएगा। ठीक है, फ्लोरीन के पास आपको बॉन्ड पेयर मिल जाएगा, आई थिंक दिखाई दे रहा है। ओके, तो ऑब्वियसली क्या होगा, H2O2 का जो बॉन्ड लेंथ ये कम होगा एज कम्पेयर टू H2F2। ठीक है, ड्यू टू दिस लोन पेयर रिपल्शन। ओके चलो, ये हो गया हम लोगों का नंबर फाइव वाला फैक्टर्स। ये देखते हैं हम लोग लास्ट वाला फैक्टर, दैट इज सिक्स आई थिंक, क्या होगा, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और मुझे पता है आप लोगों को मिक्स में, हम लोगों को व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन इसका बारे में पता नहीं है, तो डोंट नीड टू वरी, इन अपकमिंग लेसन आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, हाउ टू फाइंड आउट, लेकिन तब तो लगेगा ना, तब जानने के बाद तो तब ये फैक्टर आ जाएगी, इसलिए अभी से सीख लीजिए। मतलब क्या होता है, सपोज आप ले लीजिए, ये कार्बन कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हो गया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, इसका होता है sp2, और इसका होता है sp। ये क्या है, ये आप लोग अपकमिंग लेसन में सीखेंगे, तो अभी के लिए यही याद रखे, sp2 और sp3, और जिन लोगों को तो पता है तो उन लोगों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ।
तो अगर आप अच्छे से देखेंगे एस कैरेक्टर, मतलब इसमें कितना एस कैरेक्टर है, एक एस एक पी, मतलब 50% क्या है एस कैरेक्टर है। इसमें कितना है, 33% एस कैरेक्टर, और इसमें क्या है, 25% एस कैरेक्टर। ठीक है, तो जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना शॉर्ट उसका क्या होगा, बॉन्ड लेंथ होगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर। ठीक है, और हम लोग ने क्या बताया था, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाथ बॉन्ड लेंथ, तो ऑब्वियसली इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाइस्ट है, तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होगा, इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। मतलब एस पी का बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा, उसके बाद एस पी, उसके बाद एस पी थ्री, मतलब एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन वाला कोई भी चीज़ का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, यही था द फैक्टर्स ऑन व्हिच बॉन्ड लेंथ क्या करता है, डिपेंड्स करता है। अभी हम लोग और एक चीज़ सीखेंगे आज के लेसन में, डेट इज़ बॉन्ड एनर्जी। व्हाट इज़ बॉन्ड एनर्जी, इसको बॉन्ड एंथैल्पी भी कहा जाता है, बॉन्ड एंथैल्पी, और सिंपल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कहा जाता है। क्या क्या, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और सिंपल व्हाट इज दिस, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड, कोई भी एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको जितना एनर्जी चाहिए, दैट इज सिंपली व्हाट, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो ये तो समझ में आ ही जाएगा होगा। तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट है वही देखते हैं, फैक्टर्स, मतलब क्या क्या फैक्टर्स के ऊपर ये बॉन्ड एनर्जी क्या करता है, डिपेंड करता है। ओके, चलिए हम लोग फास्ट पहले नंबर फैक्टर देखता है, व्हाट इज द फास्ट फैक्टर, सिंपल दैट इज बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी भी वो कह सकते हैं, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, मतलब कितना बॉन्ड है उन दोनों का बीच में। ठीक है, इसके पहले आप, मैं आपको एक बात एग्जांपल देना चाहता हूँ, सपोज आपने एक डंडा लिया, एक लड़का है उसने क्या लिया, एक डंडा लिया, और बी ने क्या किया, दो डंडा लिया, और सी ने क्या लिया, सी ने ऐसे करके थ्री डंडा एक साथ लिया, कौन इनको इजीली तोड़ पाएगा। ठीक है, जिसके पास एक डंडा है वो क्या है, इजीली ब्रेक हो जाएगा, उसके चीज़ से ज़्यादा लगेगा और इसको सबसे ज़्यादा क्या लगेगा, एनर्जी लगेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है, अगर दो, मतलब टू कंपाउंड, मतलब टू कंपाउंड का बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, मतलब जितना ज़्यादा बॉन्ड होगा उसका, जितना ज़्यादा बॉन्ड होगा उसका ब्रेक करने के लिए उतना ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सपोज ये कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हो गया कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर मतलब इसमें कितना बॉन्ड है इन दोनों का बीच में, एक दो तीन, जितना बॉन्ड होता है उतना ही उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है, ये कितना है थ्री, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा टू, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा वन। ठीक है, आगे समझ में, तो ऑब्वियसली ये जिसमें थ्री बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगा, तो आपको क्या याद रखना है, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, और इनडायरेक्टली आप, ओके चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, नेक्स्ट फैक्टर इज बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ये है कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, और ये हो गया कार्बन आयोडीन। ठीक है, तो हम लोगों को पता है, अगर जिसका क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, छोटा होता है, मतलब इस यहाँ से इस साइड जाने से आपको क्या मिलेगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा आपको,
इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इसका साइज बड़ा है, मतलब इन लोगों का इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, सपोज इसलिए आपको एक बात याद रखना है, दो शीश अगर बहुत दूर दूर में है तो उन लोगों का बीच में झगड़ा इजीली लगता है। ठीक है, क्यों? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में झगड़ा ज़्यादा होता है। यस, अगर दो शीश क्या है पास पास में है तो उन लोगों का बीच में थर्ड पर्सन एंट्री नहीं कर सकता है इतना इजीली, इसलिए इन लोगों का ब्रेकअप कम होता है। ठीक है, लेकिन लड़का यहाँ पे है, लड़की अमेरिका में है, लड़का नाइ, तो इन लोगों का भी थर्ड पर्सन इजीली एंटर कर सकते हैं, तो इन लोगों का बॉन्ड भी क्या है इजीली ब्रेक हो सकता है। यस, ऐसा नो? यस। तो इसलिए आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी, मतलब जितना ज़्यादा बड़ा बॉन्ड होगा उसका बॉन्ड एनर्जी उतना कम होगा, मतलब इसका बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद इसका, ये किसका ट्रेंड लिखा है मैंने, ये बॉन्ड एनर्जी का ट्रेंड हो गया, समझ में आ गया? यस। चलिए हम लोग नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, नेक्स्ट कितना होगा, आई थिंक 3 नंबर होगा। ये फैक्टर क्या है, इफ़ लोन पेयर आर प्रेजेंट, लिख लीजिए, If lone pair are present, then I think ये दिखाई दे रहा होगा, नहीं मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, then lone pair repulsion decreases the bond length। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एडवांस लेवल के लिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब कैसा कैसा बॉन्ड, मतलब रिपल्शन पेयरिंग हो सकता है वो आप लोग अपकमिंग लेसन में सीखेंगे, और जिन लोगों ने सीख लिया उन लोगों के लिए कोई बात नहीं है। अगर 3p 3p, उसके बाद 2p 2p, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, उसके बाद 4p 4p, उसके बाद 5p 5p। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होना चाहिए था, ये 2p 2p का रिपल्शन सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन हम लोग को एक बात याद रखना है, जो 2p 2p होगा उन लोगों के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, उल्टा वहाँ पे क्या होता है, बैक बॉन्डिंग होता है, इसलिए ये बॉन्ड लेंथ ये 2p से थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर आप, मतलब ये क्या है, आप एग्जांपल देने से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ये हो गया नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस फॉस्फोरस, आर्सेनिक आर्सेनिक और SB SB। सपोज इन लोगों का बीच के क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, सबके बीच में क्या है, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर। ओके, सपोज दिस इज, अगर आपको पूछा गया है, सपोज दिस 1 2 3 4, अरेंज देम अकॉर्डिंग टू देयर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो आपको क्या याद रखना है, सबसे ज़्यादा किसका होगा, 2 का। ठीक है, क्योंकि फॉस्फोरस इज फ्रॉम थर्ड पीरियड, आपको ये याद रखें, फॉस्फोरस फ्रॉम थर्ड पीरियड, नाइट्रोजन फ्रॉम 2 पीरियड, आर्सेनिक फ्रॉम 4th एंड एंटीमोनी फ्रॉम, ओके, ऐसा करके आप इजीली क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं 5 पीरियड। तो क्या होगा, 2 1 3 4, दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, गॉट माई पॉइंट? चलो, तो और एक देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। सपोज नाउ यू हैव टू टेल मी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये हो गया ब्रोमीन ब्रोमीन और ये हो गया आयोडीन आयोडीन, आपको पूछा गया है अरेंज देम अकॉर्डिंग टू देयर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो आपको क्या बताया, ये दोनों सबसे छोटा छोटा है तो इन लोगों का क्या होना चाहिए था, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन बात क्या है, ये जो फ्लोरीन है, इन लोगों का जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास पे रहता है। ठीक है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन के वजह से ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है, क्योंकि इन लोगों का ऑलरेडी रिपल्शन है, लेकिन इन लोगों का इसमें ये रिपल्शन नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा होता है क्लोरीन का, उसके बाद होता है फ्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का और उसके बाद आयोडीन का। ठीक है, तो ये था ये आंसर। तो आपके लिए मेरे 2 होमवर्क है, मैं आज का लेसन में ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड लेंथ ही सिखाऊंगा,
अपकमिंग लेसन में हम लोग बॉर्न एंगुलर और बॉर्न ऑर्डर देखेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों का होमवर्क है। क्या होमवर्क? मतलब ये फ्लोरीन फ्लोरीन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ये हो गया हाइड्रोजन, और एक है कार्बन कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन साइनाइड ट्रिपल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। आपको इन तीनों को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये हो गया ए बी सी डी, और ये मैंने दे दिया सपोज एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। आपको ए लिख के इसको अरेंज करके कमेंट सेक्शन में लिखना है और टू लिख के इसको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है? तो माय डियर स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको इस लेसन को अच्छा लगा है तो क्या कीजिए, आप खुद से मेहनत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। That's it for today. Have a good day.